वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हमने लास्ट वीडियो में देखा है एडवर्ब्स के बारे में, एडवर्ब्स के डेफिनेशन और इसके टाइप्स। इसके 10 टाइप्स होते हैं जिसे जिसके लिए कोड बनाया था हमने, जिस कारण से जिसकी सहायता से टाइप्स याद रह सके। अब उससे आगे है आज फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो इसके लिए 7 रूल्स हैं, 7 केसेस हैं, आप देख सकते हैं। इन 7 केसेस को हम देखेंगे बारी बारी से और लास्ट में फिर से इसी स्लाइड को लेकर आकर फिर देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा है। पहला जो रूल है यह है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, आप जानते हैं यह एडवर्ब्स का पहला टाइप है जो हमने लिस्टिंग किया था। उसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर अगर बनाना होता है तो एडजेक्टिव्स के अंत में ly जोड़ना होता है। एक तरीका यह है, एडवर्ब ऑफ मैनर अगर बनाना है, अगर यहाँ पे फैट है एक एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का ही बनता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो इसमें इसके अंत में ly जोड़ना पड़ेगा। यह है तरीका एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने का। जैसे यहाँ पे क्लेवर है, क्लेवर में आप देख रहे हैं कि ly जुड़ गया है, वाइज में भी ly जुड़ गया है, काइंड में भी ly जुड़ गया है, हैप्पी में भी ly जोड़ा गया है, वाई को आई में बदला गया है और फिर ly जोड़ दिया गया है, ब्यूटीफुल में भी ly जोड़ा गया है और फुलिस में भी ly, हेस्टी में वाई को वाई किया गया है और फिर ly जोड़ा गया है, तो हेस्टिली हो गया है, क्विक का क्विकली कर दिया गया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो ये वर्ड्स ब्यूटीफुल, फुलिस, हेस्टी, क्विक, क्लेवर, वाइज, काइंड, हैप्पी, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव्स का कैसे बनता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, उनके अंत में ly लगा देने से। तो आप देख लीजिए पहला रूल कि एडजेक्टिव्स के अंत में जब ly लगाते हैं तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर बन जाता है। दिस इज फर्स्ट रूल। नाउ कमिंग टू सेकेंड रूल, सम एडवर्ब्स आर मेड अप ऑफ अ नाउन, मतलब कुछ एडवर्ब्स नाउन से भी बने होते हैं, कुछ एडवर्ब्स नाउन से भी बने होते हैं। जरा देखिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ, टाइम्स मतलब काल, टाइम मतलब समय, डे मतलब दिन, वे मतलब रास्ता, वाइज मतलब क्रम। तो इस तरह से ये सारे के सारे नाउन हैं और इनके साथ कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया गया है और बन गया है एडवर्ब। तो कुछ एडवर्ब्स नाउन से भी बनते हैं, जैसे समटाइम्स हिंदी पता है आप सबको, कभी कभी, मीन टाइम मतलब मध्य में, स्टडे पता है आपको, मिडवे मतलब ये भी मध्य में, और अदरवाइज मतलब अन्यथा। तो कुछ होते हैं कि नाउन के साथ भी वर्ड्स को जोड़कर हम एडवर्ब बनाते हैं। तो दो रूल हो गया, एक तो एडवर्ब ऑफ मैनर का रूल हो गया कि एडजेक्टिव के अंत में ly लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है, दूसरा हो गया कुछ नाउन्स के साथ भी वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो बन जाता है एडवर्ब्स। तीसरा रूल यह है कि नाउन के साथ, इसको बाद में पढ़ूंगा, नाउन के साथ, नाउन को एन लिखता हूं, के पहले अगर हम प्रेपोजिशन को जोड़ देते हैं तब भी एडवर्ब बनता है, अगर एडजेक्टिव के पहले प्रेपोजिशन को जोड़ देते हैं तब भी एडवर्ब बनता है, और प्रेपोजिशन के पहले अगर प्रेपोजिशन को जोड़ देते हैं तब भी एडवर्ब बनता है। 3 तरीका है एडवर्ब्स बनाने का और ऐसे को बोलते हैं कंपाउंड्स। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ प्रेपोजिशन एंड अ नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन, मतलब मिश्रित होते हैं। कैसे मिश्रित होते हैं, तो उनके साथ एक प्रेपोजिशन होता है, शुरू में एक प्रेपोजिशन होता है और बाद में या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव या प्रेपोजिशन। तो देखिए, जो पर्पल कलर में है यह नाउन का एग्जाम्पल है, जो रेड में है एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, और जो ग्रीन में है ये प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है। मतलब शुरू में तो प्रेपोजिशन रहना है लेकिन लास्ट में, पर्पल वाला में लास्ट में नाउन रहेगा, रेड वाला में लास्ट में एडजेक्टिव रहेगा और ग्रीन वाला में लास्ट में रहेगा प्रेपोजिशन ही। देखते हैं, देखिए फुट, आप जानते हैं फुट मतलब पैर होता है, नाउन है, फुट में ऑन फुट प्रेपोजिशन लग गया ऑन, तो ए बन गया अ फुट।
हिंदी दोनों की, ऑन फुट की और ए फुट की, दोनों की हिंदी एक ही होती है, वह है पैदल। ऐसे ही ऑन बेड को ऑफ बेड, ऑन स्लीप को अस्लीप, यहाँ पे अहेड मतलब आगे, अबोर्ड मतलब सवार सवार, अवे मतलब दूर। यहाँ पे टाइम्स आप जानते हैं नाउन है, पिछला मैं बताया था स्लाइड में। यहाँ बी टाइम्स मतलब समय के पहले, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, टू डे टुमारो, ओवरबोर्ड मतलब जहाज पर सवार। तो इस तरह से जो वर्ड्स अभी मैंने अंडरलाइन किए, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। किसके कंपाउंड्स? प्रीपोजिशन प्लस नाउन्स के। ये रूल नंबर तीन पर रहे हैं। दूसरा है प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव का होगा। जैसे बोर्ड, बोर्ड मतलब क्या होता है? चौड़ा, एक्चुअली ब्रॉड पढ़ते हैं। यहाँ पे बोर्ड मतलब होता है, अबोर्ड मतलब सवार, यहाँ पे अब्रोड है चौड़ा, बट अब्रोड का मतलब होता है विदेश में। ब्रॉड का मतलब चौड़ा, अब्रोड का मतलब विदेश में, विदेश में। लॉन्ग मतलब अलोंग मतलब के साथ साथ, लॉन्ग आप जानते हैं एक एडजेक्टिव है। लाउड के साथ अलाउड हो गया मतलब बहुत जोर से। अन्यू मतलब बिल्कुल, अन्यू मतलब न्यू हो गया। बिलो मतलब नीचे, बियॉन्ड मतलब के परे, बियॉन्ड की हिंदी होती है के परे। तो इस तरह से योन्ड एक एडजेक्टिव है जिसकी हिंदी होती है हाँ, तो उसी में बी लगा दिया है प्रीपोजिशन, बियॉन्ड हो गया और हिंदी हो गई के परे। अब देखिए तीसरा जो कंपाउंड्स है प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का। देखिए लास्ट में प्रीपोजिशन, यहाँ भी आउट, यहाँ फोर मतलब हिंदी होती है फोर का मतलब पहले, नीथ, नीथ की हिंदी होती है नीचे। अब इसके साथ विथ लग गया है, यहाँ भी विथ, यहाँ बी, यहाँ भी बी, हिंदी होती है विद इन का मतलब में, विदाउट का मतलब के बिना, बिफोर मतलब पहले, बीनीथ मतलब नीचे। तो इस तरह से आप केस थ्री देख रहे हैं कि एडवर्ब्स कंपाउंड्स होते हैं प्रेपोजिशन प्लस नाउन के, या प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव के, या प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशन के भी। तो ये केस नंबर थ्री हुआ। पहला एडवर्ब ऑफ मैनर का देखा था जिसमें एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगाते हैं। दूसरा देखा था कुछ नाउन के साथ भी कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बनता है। तीसरा यह केस है। चौथा देखते हैं, पूरे सात रूल्स हैं आपने शुरू में देख लिया है। कुछ एडवर्ब्स प्रोनाउंस से भी बन जाते हैं। सम एडवर्ब्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोनाउंस। जैसे ही प्रोनाउन है तो ही से हेन, हेन्स और हियर बनता है। हु है तो हु से वेयर, वेन, हाउ, ये सब प्रोनाउंस से ही बनते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बनते कैसे हैं, तो उसके रूल्स। तो कुछ प्रोनाउंस से भी बनते हैं। क्या लगाने से बनता है रूल यह नहीं कहता है, लेकिन जरूर दिखा रहा है कि प्रोनाउंस से भी बनता है। अब पांचवें पे पहुंचते हैं। पांचवा में सम एडवर्ब्स आर डिराइव फ्रॉम पीएची। दस से भी कुछ एडवर्ब्स बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दस से देयर, देन और दस, ये दस से बना हुआ है। तो ये हो गया रूल नंबर पांच। पहला रूल क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर बनाया था एडजेक्टिव के अंत में एल वाई लगा करके। फिर दूसरा रूल था कि नाउन के पहले कुछ वर्ड जोड़ दिया था और तब भी बन गया था एडवर्ब। फिर इसके बाद तीसरा रूल था कि कंपाउंड्स, जैसे कि प्रीपोजिशन पहले रहेगा फिर नाउन रहेगा, फिर प्रीपोजिशन रहेगा फिर एडजेक्टिव रहेगा, फिर प्रीपोजिशन रहेगा और फिर प्रीपोजिशन रहेगा, इस तरह से बनता है एडवर्ब्स। यह तीन नंबर रूल था। चार नंबर था कि कुछ प्रोनाउंस भी बनता है, जैसे कि आपने देखा था एग्जाम्पल ही का, कि ही से भी बनता है कैसे कैसे। और यहाँ पे पांच नंबर टी एच ई से भी कुछ बनता है एडवर्ब्स। आपको पूरे रूल याद रहने चाहिए। अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, रूल नंबर छे। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंडेड विद प्रीपोजिशंस, मतलब कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो प्रीपोजिशन, जो एडवर्ब होते हैं पहले से ही और उनमें प्रीपोजिशन अंत में लग जाता है तो उस तरह से बन जाते हैं। जैसे कि देयर है, देयर पहले से ही एडवर्ब है और फिर प्रीपोजिशन लग गया और फिर भी ये एडवर्ब ही है, तो यह रूल नंबर सिक्स है कि कुछ एडवर्ब होते हैं ऐसे जिनको प्रीपोजिशन से मिलाया जाता है और फिर एडवर्ब ही रहते हैं वो। जितने लिखेंगे एग्जाम्पल, इसके तीन स्लाइड हैं, हाँ तीन स्लाइड इसलिए रखा है कि जितने वर्ड्स मैं इसका हिंदी लिखा हूँ बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए आप सबको किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे
एडवर्ब्स हैं और लास्ट में, सबके लास्ट में प्रीपोजिशन है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, हर जगह बिल्कुल यही चल रहा है, पहले से एडवर्ब है फिर बाद में प्रीपोजिशन है। शुरू में आते हैं, देयर बाय एक वर्ड हो गया हिंदी, इसकी देख लीजिए इस प्रकार से, जिसके चलते दो हिंदी है, इससे भी अधिक हिंदी हो सकती है, जो अधिक प्रचलन में है उसे ही लिखा है मैंने। देयर फ्रॉम, वहां से, उधर से, देयर इन, उसमें, देयर ऑफ, उसके बाद उसका, देयर ऑन, उसके बाद उस पर, देयर टू, इसके बाद, देयर विथ, इसके साथ ही, इससे भी, इसका मतलब होता है, फिर हियर का, हियर आफ्टर, मतलब आइंदा, इसके बाद, हियर बाई, इसके द्वारा, इतद द्वारा, हियर इन, इसमें, यहाँ, हियर अपॉन, के कारण, इसके बाद, हियर विद, इसके साथ, फिर है वेयर के साथ, वेयर फॉर, जिस कारण, जहाँ से, वेयर इन, जिसमें, किसमें, वेयर ऑन, जिस पर, किस पर, वेयर ऑफ, जिससे, जिसका, किसका, हेंस फोर्थ, अब से, भविष्य में, हेंस फॉरवर्ड, इसके बाद, अब से आगे, हिदर टू, अब तक, इसको बोलते हैं हिदर टू, हिदर टू। तो इस तरह से ये केस नंबर सिक्स। केस नंबर सेवन क्या करता है कि टू एडवर्ब्स आर समटाइम्स ज्वाइन बाय एंड, दो एडवर्ब्स समटाइम्स एंड से जुड़ जाते हैं और एडवर्ब ही रहते हैं वो। जैसे देखिए अगेन एंड अगेन, अगेन एक एडवर्ब है और यहाँ पे अगेन फिर एडवर्ब है, एंड से जुड़ा है, सब में एंड रहेगा, तो एडवर्ब ही रहेंगे लेकिन इसका मीनिंग बदलता है। मीनिंग क्या होता है अगेन अगेन का, रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब बार बार, हिंदी भी लिखा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इसकी, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदी प्रथमतः या सर्वप्रथम। नाउ एंड देन, ओकेशनली, कभी कभी। अबव एंड, सॉरी, ओवर एंड अबव, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, चाहे इधर उधर। थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली, पूर्णतः। बाई एंड बाई, आफ्टर ए टाइम, कुछ समय पश्चात। ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे टू एडवर्ब्स का जो लिखा है एंड के साथ, इनकी संख्या बहुत होती है, जो मोस्टली यूज होता है उसे ही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के सेवन रूल्स। सेवन रूल्स में क्या क्या देखा हमने कि एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं जो एडजेक्टिव्स के अंत में एल वाई को जोड़ देते हैं। दूसरा रूल देखा, कुछ नाउन्स में भी कुछ वर्ड्स जोड़ देते हैं और फिर उनसे बन जाता है एडवर्ब्स। तीसरा देखा कि कंपाउंड्स होते हैं, कुछ जो एडवर्ब्स होते हैं कंपाउंड्स किसके होते हैं, शुरू में प्रीपोजिशन होता है उसके बाद नाउन होता है, शुरू में प्रीपोजिशन होता है उसके बाद एडजेक्टिव होता है, शुरू में प्रीपोजिशन होता है उसके बाद प्रीपोजिशन होता है। पूरा एग्जांपल इसका देखा ठीक से। चार नंबर में देखा कि कुछ एडवर्ब्स प्रोनाउंस में भी कुछ शब्दों को जुड़कर बनाए जाते हैं। प्रोनाउंस से भी बने हुए होते हैं, प्रोनाउन में जुड़े नहीं रहते हैं, प्रोनाउन से भी बने होते हैं, कुछ होते हैं कि टी एच ई से बने होते हैं। और सिक्स में देखा कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो पहले से एडवर्ब होते हैं लेकिन उनके साथ फिर प्रीपोजिशन जुड़ जाता है और उसके बाद भी वो एडवर्ब रहते हैं। तो यह केस नंबर सिक्स देखा, काफी एग्जांपल्स देखे थे आप, बिल्कुल उसका सबका हिंदी भी ध्यान रखना चाहिए। केस नंबर सेवन क्या देखा आपने कि दो एडवर्ब्स जुड़ा रहता है एंड से और उसके बाद भी वो एडवर्ब ही होता है लेकिन उसकी मीनिंग बदलती है, और पूरी स्लाइड देखिए उसके जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका। तो इस वीडियो में इतना ही है, कल हम देखेंगे एडवर्ब्स का प्लेसमेंट कैसे करते हैं, कहाँ रखते हैं सेंटेंस में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।